प्यारे बच्चों, आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा महासागर नित्तल के उच्चावच। ग्लोब के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। समस्त ग्लोब का लगभग 50.9995 करोड़ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जिसमें 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, यानी कि 71% भाग पर जलमंडल तथा 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी कि 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। महासागरों में प्रमुख प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, आंध्र महासागर या अंध महासागर 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, हिंद महासागर 7.3 वर्ग किलोमीटर। सागरों में आर्कटिक सागर, मलय सागर, मध्य अमेरिका सागर, रूम सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, अंडमान सागर, कैलिफोर्निया सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल सागर तथा लाल सागर आदि प्रमुख हैं। स्थल मंडल के समान ही जल मंडल में उच्चावच मिलते हैं। महासागरीय तली का रूप महाद्वीपीय किनारों से लेकर अत्यधिक गहराई तक भिन्न होता है। महासागरों की औसत गहराई 8,300 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर बताई जाती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस आधार पर सागरीय नित्तल में चार प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारों से सागर की अतल गहराई तक ये मंडल क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त, जो कि आप एक डायग्राम के द्वारा भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि पहला जो महाद्वीपीय मग्न तट बताया गया, उसके बाद में नीचे जो लिखा हुआ है महाद्वीपीय ढाल, फिर सागरीय मैदान, फिर लास्ट में सागरीय या महासागरीय गर्त बताया गया है। अब एक एक का विस्तार से वर्णन करेंगे। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपों को किनारे वाला वह भाग जो कि महासागरीय जल में डूबा रहता है, उस पर जल की औसत गहराई 100 फैदम, यानी कि 1 फैदम बराबर 6 फिट तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है, कहलाता है। मग्न तटों की चौड़ाई पर तटीय स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है, यानी कि उसके तट के समीप किस प्रकार की स्थलाकृति, जैसे पठार है, पहाड़ है या मैदान है, उसके ऊपर जहाँ पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर मग्न तट संकरे होते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट एंडीज के कारण संकरा हो गया है। इसके विपरीत जहाँ पर स्थलीय तटवर्ती भाग या मैदान तटीय भाग मैदानी होता है, वहाँ पर मग्न तट अत्यधिक विस्तृत देखे गए हैं। परंतु तो मिसिसिपी के मुहाने पर मग्न तट संकरा है, ये एक अपवाद है। सामान्य रूप से मग्न तटों की औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर होती है। समस्त महासागरीय नीतल के क्षेत्रफल के 8.6% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर के पूर्ण क्षेत्र के 13.3% भाग पर, प्रशांत महासागर के 5.7% भाग पर तथा हिंद महासागर के 4.2% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं। मग्न तटों की उत्पत्ति। मग्न तटों की उत्पत्ति अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग बताई गई है। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय चपूतरों का सागर की ओर निकला हुआ भाग होता है। सागरीय तरंगें अपरदन द्वारा विस्तृत प्लेटफॉर्म का निर्माण करती हैं, जिस पर नदियों तथा तरंगों द्वारा निक्षेप होने लगता है। ये निक्षेप निरंतर सघन तथा ठोस होते जाते हैं, अतः मग्न तट का निर्माण हो जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार मग्न तटों का निर्माण मात्र नदियों द्वारा लंबे समय तक निक्षेप होते रहने से होता है, जिस भाग में सागरीय दशाएं
शांत होते हैं। निक्षेप अबाध गति से चलता रहता है। मलबा के भार के कारण मगन तट की तली धंसती जाती है और उस पर और अधिक मलबा जमा होता रहता है। तीसरा है महाद्वीपीय तथा महासागरीय तलों से उठने वाली सामान्य तरंगें महाद्वीपीय तथा महासागरों के मिलन स्थल पर मिलकर नीचे की ओर चलती हैं। इस कारण संपीड़न होने से महाद्वीपीय किनारा अवतलित हो जाता है, जिससे महागन तट का निर्माण होता है। कभी कभी महाद्वीपों के किनारे पर समानांतर भ्रंशन की क्रिया होती है, जिस कारण लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय किनारों का भाग धसक जाता है तथा जलमग्न होकर मगन तट का रूप धारण कर लेता है। पांचवा है सागरीय तल में गिरावट के कारण अपरदन से बने मगन तटों के उदाहरण अधिक मिलते हैं। डेली महोदय के अनुसार प्लेइस्टोसीन युग में हिमकाल के समय सागर तल में 38 फैदम की गिरावट हो गई थी। परिणाम स्वरूप महाद्वीपों के किनारे के सहारे स्थल जलमुक्त हो गए थे, जिस पर हिमानी उपनयन के कारण विस्तृत चबूतरों का निर्माण हो गया और मगन तटों का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है कभी कभी महाद्वीपीय भाग में सागर की ओर सामान्यतः झुकाव के कारण धरातलीय भाग पर सागरीय जल के फैल जाने से भी मगन तट का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय मग्न ढाल। जल मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, जिसका ढाल विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। औसत ढाल कोण 5 डिग्री होता है, जबकि सेंट हेलेना के सहारे 40 डिग्री, स्पेन के पास 30 डिग्री, सेंट पॉल के पास 62 डिग्री, भारत के कालीकट तट के पास 5 से 15 डिग्री के कोण वाले ढाल पाए जाते हैं। मगन ढाल पर जल की गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है। समस्त सागरीय क्षेत्रफल के केवल 8.5% भाग पर ही मगन ढाल पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में 12.4% भाग पर, प्रशांत महासागर में 7% पर तथा हिंद महासागर में 6.5% भाग पर मगन ढाल का विस्तार पाया जाता है। मगन ढालों पर सागरीय निक्षेप का अभाव रहता है, क्योंकि खड़े ढाल के कारण उन पर मलबा टिक नहीं पाता, परंतु उनके ऊपर हल्के पदार्थों का आवरण अवश्य देखने को मिलता है। मगन ढाल के निर्माण के विषय में कुछ लोगों का कहना है कि इनकी उत्पत्ति सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन के कारण होती है, जबकि अन्य लोगों के अनुसार इनका निर्माण विवर्तनिक कारणों से होता है। नेक्स्ट है गहरे सागरीय मैदान। सागरीय मैदान महासागर नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल है, जिसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 75.9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है, परंतु एक महासागर से दूसरे महासागर में यह प्रतिशत बदलता रहता है। प्रशांत महासागर में 80.3%, हिंद महासागर में 80.1%, अटलांटिक महासागर में 54.9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार है। अटलांटिक महासागर में सागरीय मैदान के अपेक्षाकृत कम विस्तार का प्रमुख कारण महाद्वीपीय मगन तट का अधिक विस्तार है। महासागरीय जल के अंतर्गत ये मैदान अत्यंत विस्तृत होते हैं, जिनका ढाल अत्यंत मंद होता है, परंतु कहीं कहीं पर लंबे लंबे व पतले कटक पाए जाते हैं। ये कटक तीव्र ढाल वाले होते हैं तथा कभी कभी सागरीय जल तक या उसके ऊपर भी दृष्टिगत होते हैं। इन विस्तृत सागरीय मैदानों पर सागरीय जीवों, पौधों व क्षारीय पदार्थों के निक्षेप मिलते हैं, परंतु उन पर अपरदन से प्राप्त मलबा का पूर्णतः अभाव रहता है। कहीं कहीं पर ज्वालामुखी पदार्थ के भी जमाव मिलते हैं। 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच सागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच इनका अभाव देखा गया है। महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो सागरीय नीतल के लगभग 7% भाग पर फैले हुए हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी स्थिति प्राय तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती हैं। द्वीपों के सहारे भी
खड़े गर्त देखने को मिलते हैं। आकार की दृष्टि से महासागरीय गर्तों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक गहरे खड्ड को गर्त कहा जाता है, लंबे खड्ड को खाई कहा जाता है। महासागरों में कुल 57 गर्तों का पता लगाया गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में, 6 हिंद महासागर में मिलते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। धन्यवाद बच्चों।